बात आयुर्वेदिक नुस्खे की है। थायराइड में कारगर नुस्खा कौन सा अपनाना चाहिए जिसे आसानी से घर में बनाया जा सकता है, ये भी आप बताएं। स्वामी जी, आयुर्वेदिक नुस्खा थायराइड की ओर करने का। धनिया का ना, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, हाँ ये तो मैंने जनरल एक हेल्थ के लिए बताया हुआ था कि सुबह उठकर के आप जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पीजिए, चाय, कॉफी, ये तमाम तरह के अनहेल्दी जो सौंफ का पानी पीने मात्र से बिना किसी दवा के, बिना थायरॉइड के भी हमने लोगों का थायराइड अच्छा किया है। खाली उज्जाई कोई भी कर लेते हैं, सिंहासन और ये गर्दन घुमाने वाला और कपाल भाती, और थोड़ा ज़्यादा था तो उनको तो उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, सर्वांगासन पूरा बताया था। ये खाली धनिया का पानी, दूसरा ये जो हरा धनिया है इसकी चटनी रोज खाएं, और ये अमरूद, अमरूद, एलोवेरा और हल्दी, इसमें बहेड़ा और डाल दें तो इससे जो गरारा करेंगे ना वो तो थायराइड के लिए रामबाण है ही सो है। मैं तो कहता हूँ आप हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला सप्ताह में एक बार सब ले लिया करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। सप्ताह में एक बार गोधन अर्क ले लिया करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहा करेगी। और अब आंवला का सीजन शुरू हो चुका है, अगले महीने से और परिपक्व आंवला आने लग जाएगा और च्यवनप्राश भी फिर अपना जोर पकड़ लेगा। तो कोई भी एक जड़ी बूटी रोज बदल बदल के, किसी दिन आंवला ले ले, किसी दिन एलोवेरा ले ले, किसी दिन गिलोय ले ले, किसी दिन हरे धनिया का पानी ले ले, किसी दिन एलोवेरा ले ले, ऐसे कोई भी एक जड़ी बूटी, नहीं तो तुलसी पत्र ही मुँह में तीन डाल लें। जो ऐसे करेंगे फिर उनके जीवन दिव्यता से भरेंगे, उनके जीवन में कोई रोग नहीं टिकेंगे, नहीं तो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो रोज हम ये समाधान बताते हैं, जड़ी बूटियों के उपाय बताते हैं, और जड़ी बूटियां घर में रखने से कोई वास्तु दोष भी नहीं रहता, तो आंवला, एलोवेरा के लिए तो गमलों में ही लगा ले। स्वामी जी, आज तो बात थायराइड की हो गई, समाचार भी आपके बताने की बारी है, कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।